हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंक्रीट पंप मशीन को शिफ्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिक रूल है हाइड्रा से शिफ्ट करने का, बट अभी हाइड्रा साइट पे नहीं होता है तो पोकलेन मशीन या एक्सवेटर मशीन से भी शिफ्ट किया जा सकता है। एक पंप कंक्रीट मशीन को या किसी भी मशीन को शिफ्ट करना होता है तो पोकलेन मशीन से भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पूरे सेफ्टी के साथ शिफ्ट किया जा रहा है। कंक्रीट पंप मशीन को शिफ्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी दूसरे साइड में कंक्रीट करना है, और अभी जहाँ पे कंक्रीट पंप मशीन है वहाँ से कंक्रीट को पंप द्वारा फ्लो कराना मुश्किल होता है। इसलिए हम कंक्रीट पंप मशीन को अलग अलग जगहों पे शिफ्ट करके वहाँ से पंप लगा करके कंक्रीट कास्टिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्टिंग स्टार्ट है इसका, और अभी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में इसका शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि कंक्रीट पंप मशीन में दो चक्के लगे हुए हैं, और वो जो अटैच होता है ट्रैक्टर में वो भी इस साथ में दिया हुआ है, क्योंकि इसको अगर दूर ले जाना है बाय रोड तो इसको ट्रैक्टर के द्वारा शिफ्ट किया जा सकता है। बट अभी क्या है कि आप सोच रहे हैं कि क्यों पोकलेन मशीन से शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि इस कंक्रीट पंप मशीन में चक्के ऑलरेडी दिया हुआ है, और जो जो हुक होता है टाली में जोड़ने के लिए वो भी दिया हुआ है। तो हम पोकलेन मशीन के द्वारा क्यों इसको शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं? तो क्या है कि साइड पे ज़मीनें जो है, जो अर्थ है हमारा, वो बहुत ऊपर नीचे है, इसलिए हम पोकलेन मशीन के द्वारा इसको शिफ्ट कर रहे हैं। अभी क्या है कि यदि ट्रैक्टर के द्वारा इसको शिफ्ट करते तो वो एग्जैक्ट जगह पे, एग्जैक्ट प्लेसेस पे इसको मशीन को नहीं लगा सकता, क्योंकि एक कंक्रीट पंप मशीन को हमें एक फिक्स जगह पे रखना होता है, क्योंकि वहाँ से हमें कंक्रीट का जो पंप का मशीन, पंप का जो पाइप है उसको हमको सेट करना होता है। और यदि हमारा कंक्रीट पंप मशीन एक स्टेबल जगह पे है तो ही हम उसको पाइप द्वारा एड जोड़ करके और एक कंक्रीट फ्लो करा सकते हैं। तो इसलिए एक कंक्रीट पंप मशीन को हम जहाँ पे चाह रहे हैं वहाँ पे एक पोकलेन मशीन शिफ्ट कर देगा, जबकि एक ट्रैक्टर वहाँ पे नहीं शिफ्ट कर सकता, क्योंकि एक ट्रैक्टर के पास बस बैक एंड फॉरवर्ड करने की कैपेसिटी है, बट पोकलेन मशीन को साइड में या ऊपर नीचे कहीं पे भी ये डायरेक्टली शिफ्ट कर सकता है। इसलिए हम इसको पोकलेन या एक्सेलेटर मशीन को बोलते हैं, इससे शिफ्टिंग करा रहे हैं एक कंक्रीट पंप मशीन को। तो एक बेसिक सा फंडा है इस कंक्रीट मशीन, कंक्रीट पंप को शिफ्ट करने का, और हम ट्रैक्टर या और कोई मशीन से नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ओनली हम पोकलेन और हाइड्रा मशीन से इसको शिफ्ट करते हैं। किसी भी मशीन को हाइड्रा या पोकलेन मशीन से शिफ्ट कर सकते हैं, बट इसका बेसिक जो रूल है वो हाइड्रा मशीन से है कि हाइड्रा से इसको शिफ्ट किया जा सकता है। बट अभी हाइड्रा क्या है कि साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम पोकलेन मशीन से इसको शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अर्थ है वो कितना ऊपर नीचे है, और अभी पे जहाँ पोकलेन मशीन इसको शिफ्ट कर रहा है वहाँ पे सिर्फ पोकलेन या हाइड्रा मशीन ही शिफ्ट कर सकता है, बाकी ट्रैक्टर या कोई और मशीन इसको शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो एग्जैक्ट जगह पे आ गया है, और हम यहाँ पे अभी शिफ्टिंग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये बेसिक